गामा बुंता माउंट मियोबोकू का चीफ टोड होता है। जब गामा बुंता यंग था और जिराया छोटा, जिराया अपने नेचुरली एफिलिएटेड एनिमल के बारे में पता करने के लिए खुद को माउंट मियोबोकू में रिवर समन कर लेता है और फिर वो वहाँ के टोड्स के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। गामा बुंता जिराया को इन्फॉर्म करता है कि ग्रेट टोड सेज ने उसे बुलाया है उसके प्रोफेसी के बारे में बताने के लिए। गामा बुंता सेकंड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान जिराया के साथ मिलकर लड़ता है। कोनोहा पर नाइन टेल्स के अटैक के वक्त मीनातो नामिकाजे गामा बुंता को समन करता है उसकी हेल्प करने के लिए। मीनातो गामा बुंता से नाइन टेल्स को पकड़ने कहता है ताकि वो नाइन टेल्स को विलेज से दूर टेलीपोर्ट कर सके फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक से। गामा बुंता को खुद पर भरोसा नहीं था कि वो ऐसा कर पाएगा, पर वो किसी तरह से उसे पकड़े रहने में कामयाब रहता है। जब नारुतो खुद को बचाने के लिए गामा बुंता को समन करता है, गामा बुंता को यकीन नहीं होता कि नारुतो जैसा छोटा बच्चा उसे समन कर सकता है और गुस्से में वो नारुतो को मारने की धमकी देता है। नारुतो गामा बुंता को समनिंग कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिससे उसे यकीन हो जाता है, लेकिन वो फिर नारुतो को टास्क देता है कि वो जंप करेगा और नारुतो को उसके ऊपर से नीचे नहीं गिरना है और अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो पास हो जाएगा और वो उसे अपना मास्टर मान लेगा। नारुतो टेस्ट पास कर जाता है और आखिर में बेहोश हो जाता है। गामा बुंता नारुतो को हॉस्पिटल छोड़ देता है। ओरोचिमारू के अटैक के दौरान नारुतो गामा बुंता को समन करता है गारा के सैंड वाटरफॉल फ्यूनरल से बचने के लिए। गारा अपने फुल शुकाकू फॉर्म में नारुतो से लड़ता है, पर गामा बुंता नारुतो को हेल्प करने के लिए मना कर देता है। नारुतो उसे उसके टास्क के बारे में याद दिलाता है और उसे उसकी बात मानने कहता है। गामा बुंता जवाब देता है कि वो नारुतो जैसे बच्चे को सीरियसली नहीं ले सकता। तभी गामाकिची, जिसे नारुतो ने एक्सीडेंटली समन कर लिया था, वो गामा बुंता को बताता है कि गारा ने उसे मारने की कोशिश की थी और नारुतो ने उसे बचाया। ये सुनकर गामा बुंता नारुतो से इम्प्रेस हो जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। गामा बुंता को लड़ने में परेशानी नहीं हो रही थी, पर जब गारा सो जाता है और अपने बॉडी का कंट्रोल पूरी तरह से शुकाकू को दे देता है, तब गामा बुंता को परेशानी होने लगती है और वो नारुतो को बताता है कि उसे किसी पंजे वाले जानवर में ट्रांसफॉर्म कर दे ताकि वो शुकाकू को पकड़ सके और नारुतो गारा को नींद से उठा सके। कॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके वो लोग नाइन टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फिर नारुतो गारा के करीब जाकर उसे पंच मार कर उठा देता है। गामा बुंता नारुतो से फिर इम्प्रेस हो जाता है, पर ज्यादा थकने के कारण वो फाइट को एंड तक नहीं देख सकता था और वो वापस माउंट मियोबोकू चला जाता है। ओरोचिमारू के साथ लड़ते हुए जिराया गामा बुंता को समन करता है उसकी हेल्प करने के लिए। गामा बुंता मांडा को डेथ थ्रेट्स देता है और उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। कासुयू के फ्री होने के बाद गामा बुंता जिराया के साथ मिलकर फायर रिलीज टोड ऑयल फ्लेम बुलेट से अटैक करता है, पर मांडा बच जाता है और फिर से उन पर अटैक करता है। गामा बुंता मांडा को पकड़े रखता है और सुनाडे मांडा पर गामा बुंता के शॉट से अटैक करती है। लैंड ऑफ सी में नारुतो गामा बुंता को समन करता है उमी बोजू से लड़ने के लिए, बिना ये रियलाइज किए कि टोड्स फ्रेश वाटर एनिमल्स है। गामा बुंता नारुतो के ऐसा करने पर खुश नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी नारुतो की हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसके साथ मिलकर सभी को हरा देता है उन्हें इवेपोरेट करके। गामा बुंता नारुतो को ऊपर फेंक देता है उसे सी वाटर में समन करने के पनिशमेंट के तौर पर। जिराया के डेथ के बाद पेन कोनोहा पर अटैक करता है। शीमा गामा बुंता गामा कीची गामा केन गामा हीरो फुकासाकू और नारुतो को रिवर्स समन करती है पेन से लड़ने के लिए। सभी टोड्स एनिमल पाथ पेन के समन किए हुए एनिमल से लड़ते हैं। गामा बुंता डॉग से लड़ता है। नारुतो के विंड रिलीज रशन शुरिकन को यूज करने के बाद उसका सेज चाकरा कम होने लगता है। गामा बुंता नारुतो और एनिमल पाथ पेन को निगल लेता है ताकि नारुतो उसे बिना किसी डिस्टर्बेंस के मार सके। नारुतो और एनिमल पाथ पेन के बाहर निकलने के बाद देवा पाथ पेन देखता है कि नारुतो का सेज चक्रा खत्म हो चुका है, इसीलिए वो तुरंत ही नारुतो पर अटैक करने बढ़ता है। गामा बुंता उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो बचते हुए नारुतो के पास आ जाता है। लड़ाई करते हुए गामा बुंता नारुतो को हटने कहता है ताकि वो अटैक कर सके, पर नारुतो उसे दूर रहने कहता है क्योंकि वो फिर से सेज मोड एक्टिवेट करके रसन शुरिकन से अटैक करने वाला है और वो नहीं चाहता कि गामा बुंता को उस अटैक से चोट लगे। लेकिन गामा बुंता नहीं मानता और देवापात पेन पर अटैक करता है, पर देवापात पेन फिर उसके अटैक से बच जाता है। नारुतो नरकापात पेन को मार देता है, जिसके बाद देवापात पेन के पास उसकी ग्रेविटेशनल पावर्स वापस आ जाती है और वो नारुतो पर अटैक करता है। गामा बुंता और अदर टोड्स उस पर अटैक करने बढ़ते हैं। देवापात पेन उनके अटैक से बचते हुए उन तीनों के बीच में आ जाता है और उन्हें शिनरा टेंसे से कोनोहा से दूर भेज देता है। अपने मिशन से वापस आ रहे टीम
गाय गामा बुंता को जख्मी हालत में देखते हैं। गामा बुंता उन्हें पेन के अटैक के बारे में बताता है। माउंट म्योबोकू में वापस समन होने के बाद गामा बुंता बैंडेजेस में कवर्ड रहता है और ग्रेट टू सेज के साथ बैठकर टेलीस्कोप टेक्निक से नारुतो और पेन की फाइट को देखता है। वो लोग नारुतो और पेन के डिस्कशन को भी देखते हैं, जिसके बाद नागाटो अपने बचे हुए पावर से सभी मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है जिनको उसने मारा था। ग्रेट टोड सेज गामा बुंता को बताता है कि जिराया के प्रोफेसी में दो स्टूडेंट्स थे और नारुतो ही चाइल्ड ऑफ द प्रोफेसी है। बात करें गामा बुंता के पर्सनैलिटी की तो गामा बुंता बहुत ही घमंडी और गुस्सैल था। वो किसी से भी ऑर्डर लेना पसंद नहीं करता था, खास करके अगर उसका समनर उससे कम ताकतवर हो तो। जिराया मिनाटो और नारुतो ही वो तीन लोग थे जिसे उसने अपना मास्टर माना था। गामा बुंता को खुद पर काफी कॉन्फिडेंस था, पर उसे अपनी लिमिटेशंस और कमियां भी मालूम थी, जो कि शुकाकू के साथ लड़ते हुए वो नारुतो को बताता है। गामा बुंता अपने बच्चों के लिए काफी प्रोटेक्टिव था और शुकाकू से लड़ने के लिए भी वो तभी राजी होता है जब उसे पता चलता है कि उसने गामा किची को मारने की कोशिश की। गामा बुंता को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे अंडर एस्टिमेट करे और ज्यादातर उसके फाइट करने के रीजंस इन्हीं दोनों में से एक होती थी। गामा बुंता जिराया से कहता है कि वो नारुतो के टैलेंट और पोटेंशियल को समझता है। जिराया और गामा बुंता बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो कई बार एक साथ बैठकर ड्रिंक किया करते थे और जिराया मानता था कि वो गामा बुंता को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गामा बुंता की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।